नमस्कार दोस्तों, मैं शशिभूषण प्रसाद स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो कैसे हैं आप लोग दोस्तों? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और अच्छे से एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। दोस्तों, मराठा साम्राज्य के इस वीडियो में हम लोग आज डिस्कस करेंगे मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि मराठा के जो प्रमुख पेशवा थे उसके बारे में डिस्कस किया था और देखा था कि कैसे कैसे बाद के पेशवाओं लालच और स्वार्थ आ गई थी जिसके कारण मराठा शक्ति छीन होने लग गई थी। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं मराठा साम्राज्य का पतन, फॉल ऑफ मराठा एम्पायर। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों कि मराठा साम्राज्य का पतन तो पानीपत की तृतीय युद्ध में मराठाओं के हार के साथ ही शुरू हो गया था। लेकिन मराठाओं के हार के बाद जो एक पेशवा बना था माधवराव प्रथम, जिसने मराठा शक्ति का पुनर्संगठन किया। लेकिन 1772 में माधवराव के मृत्यु के पश्चात कोई भी ऐसा पेशवा बना नहीं जिसके कारण से मराठा की शक्ति बढ़ती जाए। मराठा छोटे छोटे वंशों में टूट गए और उसमें फूट पड़ती गई और वे आपसी कलह और संघर्ष में व्यस्त होते चले गए। ठीक है दोस्तों, और उसी का लाभ जो है वो अंग्रेज जो है उठाए, और अंग्रेज जब बंगाल का विजय किया तो उसके बाद उसका ध्यान जो है उत्तर भारत पे गया और उत्तर भारत में देखा उसने कि मुख्य शक्ति जो उत्तर भारत को नियंत्रित कर रही थी वो मराठा शक्ति ही थी। तो उसने मराठा शक्ति को पराजय के लिए अपना योजना बनाना शुरू किए। ठीक है दोस्तों, और इसी क्रम में तीन आंग्ल और मराठा और अंग्रेज के बीच में तीन युद्ध लड़े गए जिसे हम लोग आंग्ल मराठा युद्ध के नाम से जानते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी के बीच में ये लड़ा गया। तो ये इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण की बात करें दोस्तों कि मुख्य कारण जो था माधव राव के पुत्र नारायण राव और अपने चचा रघुनाथ राव से संघर्ष। अब चूंकि 1772 में माधव राव प्रथम का मृत्यु हो गया था और उसका जो पुत्र था नारायण राव वो मराठा की पेशवा के दावेदार था, क्योंकि उस समय जो पेशवा पद थे वो वंशानुगत हो चुका था। लेकिन जो माधव राव के भाई थे रघुनाथ राव, वो जो थे वो चाह रहे थे कि पेशवा मैं बनूं। इसी क्रम में जो नारायण राव थे माधव राव के पुत्र और उनके भाई रघुनाथ राव, माधव राव के भाई रघुनाथ राव में संघर्ष शुरू हो गया। और क्या किया, रघुनाथ राव जो चाचा थे वो चाचा षड्यंत्र से नारायण राव का वध करवा दिया, मरवा दिया। तो यही हमने लिखा कि रघुनाथ राव ने षड्यंत्र से नारायण राव को मरवा कर पेशवा बन जाता है। लेकिन जो उसके दरबारी थे और एक प्रमुख दरबारी थे नाना फडणवीस, वो विरोध इस बात का करने लगे और नारायण राव को चुनौती देने लगे। जो चुनौती को जो रघुनाथ राव सहन नहीं कर पाया, उसका टक्कर नहीं दे पाया और भाग खड़े हुए। तो यही हमने लिखा, लेकिन नाना फडणवीस की चुनौती के कारण नारायण राव की पत्नी गंगाबाई का पुत्र सवाई को पेशवा बना दिया जाता है। तो जो रघुनाथ राव थे वो नाना फडणवीस की चुनौती को टक्कर नहीं दे पाए और भाग गए और भाग करके अंग्रेजों के साथ मिल गए और अंग्रेजों के साथ एक संधि कर ली। और अंग्रेज यही मौका का फायदा उठाने में चुके नहीं, वो सोच ही रहे थे कि मराठा में किसी तरह आपस में फूट पड़े, जिसका फायदा वो उठाने के लिए हमेशा तैयार थे। और रघुनाथ राव के साथ उसने सूरत की संधि कर ली। तो रघुनाथ राव तो अंग्रेजों के साथ सूरत में संधि की, और उधर जो है जो नारायण राव की जो पत्नी थी गंगाबाई, उससे उत्पन्न जो पुत्र था सवाई, जिसका नाम था सवाई को पेशवा बना दिया जाता है और नाना फडणवीस मुख्य रूप से उस शासन को चलाने लगते हैं। तो उसके बाद जो संधि हुई थी तो वो संधि था सूरत की संधि, जो कि मैंने बताया दोस्तों 1775 में हुई थी और रघुनाथ राव और अंग्रेजों के मध्य ये संधि हुई थी, जिसमें जो रघुनाथ राव थे वो भाग के अंग्रेजों पे चले गए और उनको बोले कि आप मुझे पेशवा बना दीजिए। बदले में रघुनाथ राव ने क्या किया, जो सूरत का क्षेत्र और भरूच के क्षेत्र का जो राजस्व था वो अंग्रेजों को सौंप दिए, और इसके साथ ही जो सालसेट और बेसिन का क्षेत्र भी अंग्रेजों को सौंप दिया। बदले में अंग्रेज ने 2500 अंग्रेजी सैनिक रघुनाथ राव को सहायता के लिए प्रदान किया, और अंग्रेज ने ये बोला रघुनाथ राव को कि मैं तो आपको ही पेशवा मानता हूँ। तो रघुनाथ राव ने इस तरह से अंग्रेजों से संधि कर ली।
उसके बाद जो संधि हुई वो है पुरंदर की संधि जो कि 1776 ईस्वी में हुई। तो अब 1776 में पुरंदर की संधि क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल जो थे वो क्या किया, जो रघुनाथ राव अंग्रेजों के मध्य जो सूरत की संधि हुई थी जिसमें अंग्रेज ने 2500 सैनिक दिए थे रघुनाथ राव को सहायता के लिए, उसको खारिज कर दिया। कौन किया, ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल जो अंग्रेजी कंपनी के काउंसिल थे वो सूरत की संधि को रद्द कर दिया कि नहीं रघुनाथ राव को ये सहायता नहीं दी जा सकती है, और रघुनाथ राव को पेंशन देने का वादा किया। और जो अंग्रेज उसको कह रहे थे कि आप पेशवा है, और अंग्रेज रघुनाथ राव को ही पेशवा मानते थे, उस संधि को भी उस शर्त को भी ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने खारिज कर दिया और रघुनाथ राव को अपना पद छोड़ना पड़ा और कहा कि रघुनाथ राव को पेंशन दिया जाएगा, बस इतना ही दिया जाएगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से पुरंदर की संधि हुई जिसमें ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने सूरत की संधि को रद्द कर दिया और रघुनाथ राव को पेंशन देने का वादा किया, पर बंबई सरकार ने पेंशन देने से भी इनकार कर दिया। क्या हुआ था कि अंग्रेज का जो सरकार बंबई में चल रहा था उसने रघुनाथ राव को पेंशन देने से भी मना कर दिया। जब अंग्रेज ने इसको पेंशन देने से भी मना कर दिया, और इसी बीच में क्या हुआ था कि 1777 में नाना फडणवीस जो कि सवाई के नेतृत्व में मराठा साम्राज्य को चला रहे थे, नाना फडणवीस ने फ्रांसिसियो को पश्चिमी तट पे बंदरगाह बनाने की अनुमति दे दी। अब अनुमति दे दी तो जिससे क्या हुआ था कि एक संधि में नाना फडणवीस और ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के बीच में ये हुआ था कि आप किसी फ्रांसिसी को बंदरगाह बनाने की अनुमति नहीं देंगे, लेकिन नाना फडणवीस ने 1777 ईस्वी में फ्रांसिसियो को पश्चिमी तट पे बंदरगाह बनाने की अनुमति दे दी, जिससे क्या हुआ अंग्रेज नाराज हो गए, खफा हो गए और बोला कि ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल के संधियों के खिलाफ नाना फडणवीस ने ये कदम उठाए। इससे क्या हुआ कि अंग्रेज जो है युद्ध छेड़ दिए नाना फडणवीस और मराठा साम्राज्य के खिलाफ, लेकिन मराठा का जो नेतृत्व करता थे वो बहुत योग्य एक योद्धा थे महादजी सिंधिया, उसके नेतृत्व में मराठा अंग्रेजों से युद्ध किए और उस युद्ध में अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ गया। और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण इसीलिए करना पड़ा क्योंकि महादजी सिंधिया जो युद्ध का नेतृत्व किए थे तो वो इस तरह से युद्ध किए थे कि जिस क्षेत्र में अंग्रेज का सैनिक था उस क्षेत्र में सभी अनाज को जला दिए थे, पानी जितने भी जल पीने योग्य थे उसमें सब में विष मिला दिए थे, जिस कारण से अंग्रेज जो है वो महादजी सिंधिया का या मराठा का टक्कर नहीं दे पाए और अंग्रेजों को आत्मसमर्पण करना पड़ा। जब आत्मसमर्पण करना पड़ा तो उस समय क्या हुआ था कि बड़गांव की संधि हुई थी 1779 ईस्वी में। तो इस तरह से 1779 ईस्वी में जो संधि हुई तो उसमें क्या हुआ कि बंबई सरकार द्वारा 1775 से सभी जीते हुए क्षेत्र मराठा को वापस करना पड़ा। अब चूंकि मराठा तो युद्ध में जीत चुके थे तो बंबई सरकार को मराठा के शर्तों पे 1775 ईस्वी से 1779 तक जब तक बड़गांव की संधि हुई तब तक जितने भी मराठा का क्षेत्र अंग्रेज जीत चुके थे सबको अंग्रेजों को वापस करना पड़ा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये बड़गांव की संधि हुई थी, लेकिन उसके पश्चात एक संधि हुई सालबाई की संधि जो कि 1782 ईस्वी में हुई। चूंकि अंग्रेज देखा कि हम तो मराठा को हरा करके और भारत में अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहे थे, लेकिन यहाँ तो अंग्रेज मराठा ही अंग्रेज पे भारी पड़ रहे थे, तो वॉरेन हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उस समय का, उसने सोचा कि नहीं इस तरह से नहीं हो सकता, मराठा साम्राज्य को हमें पराजित करना ही पड़ेगा। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने बड़गांव की संधि को अस्वीकार कर दिया और अस्वीकार करके कर्नल गोडार्ड के नेतृत्व में अहमदाबाद के लिए 1779 में एक सैनिक भेजी और बेसिन जीतने के लिए 1780 में सेना को भेजी मराठा के खिलाफ, और ये युद्ध का क्रम मराठा और अंग्रेज के बीच में चलता रहा। और अंततः क्या हुआ कि 1781 ईस्वी में जनरल कैमेक, कौन दोस्तों, जनरल कैमेक के नेतृत्व में अंग्रेजों ने सिपरी के निकट, सिपरी एक जगह है, सिपरी के निकट महादजी सिंधिया को अंततः पराजित कर ही दिया। और जब अंततः पराजित कर दिया तो मराठा क्या हुआ कि अंग्रेजों के शर्त पे संधि करने पे मजबूर हो गए। और 1782 मई 1782 में सालबाई में एक संधि हुई जिसे सालबाई की संधि के नाम से हम लोग जानते हैं। तो सालबाई की संधि जो कि मई 1782 में हुई थी, और इस संधि में ये कहा गया था कि 20 वर्षों के लिए मराठा और अंग्रेज आपस में शांति व्यवस्था रखेंगे, एक दूसरे पे आक्रमण नहीं करेंगे, एक दूसरे को क्षेत्र को जीतने का कोशिश नहीं करेंगे, और मराठा दूसरा शर्त था कि मराठा
किसी भी दूसरे यूरोपियन को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने साम्राज्य में किसी भी दूसरे यूरोपियन को सपोर्ट नहीं करेंगे, और एक दूसरे का जीता हुआ जो छत्र था वो मराठा अंग्रेज को वापस कर दिया और अंग्रेज मराठा को वापस कर दिए। तो इस तरह से जो सालवाई की संधि हुई थी वो फर्स्ट युद्ध का, जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस गेज का अंत का कारण बना, और इस संधि के साथ ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का समापन हो गया। ठीक है दोस्तों, इसमें आपने देख लिया कि मुख्य कारण क्या था प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध का, और इसके बीच में संधि कौन कौन सी हुई इस युद्ध के दौरान। सूरत की संधि, पुरंदर की संधि, बड़गांव की संधि और सालवाई की संधि। आप सभी संधियों को दोस्तों कृपया याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी संधियां एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के विषय में। तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में बात करें दोस्तों, तो द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच में लड़ा गया, और इसका मुख्य कारण क्या था। तो मुख्य कारण था कि 1798 में आई वलेजली की सहायक संधि को मराठों द्वारा अस्वीकार करना। अब सहायक संधि की नीति क्या थी, तो वो था कि अंग्रेजी जो सेना था वो दूसरे के साम्राज्य में अंग्रेज रखना चाहता था, जिससे कि दूसरे के साम्राज्य पे अंग्रेजों का नियंत्रण बना रहे, और अंग्रेज यही चाह रहा था कि मराठा साम्राज्य में अंग्रेजी सेना रहे, लेकिन मराठा इस बात को स्वीकार नहीं किया, जिसके कारण से ये युद्ध शुरू हुआ। तो ये युद्ध शुरू कैसे हुआ, इसके पीछे कुछ प्रमुख बिंदु है कि जैसे 1800 ईस्वी में नाना फडणवीस की मृत्यु के बाद, जो मराठा का एक वरिष्ठ रणनीतिकार था, उसके मृत्यु के पश्चात मराठाओं में आपसी संघर्ष शुरू हो गया, क्योंकि जब तक नाना फडणवीस थे तब तक तो विरोध कर रहे थे विलेजली की सहायक संधि का, और जैसे ही नाना फडणवीस की मृत्यु हो गई तो पहले तो आपस में मराठाओं के बीच संघर्ष चालू हो गया। जो उस समय के वर्तमान पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, उसके साथ और सब जो मराठा शासक थे जैसे कि यशवंतराव होलकर, उसके बीच में मराठा आपस में लड़ना चालू कर दिए, और इस संघर्ष में क्या हुआ कि विलेजली के सहायक संधि का विरोध करने की क्षमता किसी में नहीं रहा। तो तत्कालीन पेशवा जो थे बाजीराव द्वितीय, वो जसवंत राव होलकर से युद्ध शुरू कर दिए, जिसमें क्या हुआ कि जसवंत राव होलकर का पलड़ा भारी होने लग गया, और बाजीराव द्वितीय जो है वो भागकर बेसिन में शरण ले ली, और बेसिन में शरण लेने के बाद वो अंग्रेजों से जाके संधि कर ली। अब जब अंग्रेज से वो संधि करेगा तत्कालीन पेशवा, तो अंग्रेज उस पे ये शर्त रखा कि आपको विलेजली का सहायक संधि नीति जो है उसको अपनाना होगा, और बाजीराव द्वितीय जो है वो अपने साम्राज्य के लालच के चक्कर में जो है सहायक संधि की नीति को स्वीकार कर लिया, और बेसिन में वो संधि हुई। तो जो अंग्रेज के बीच और बाजीराव द्वितीय के बीच संधि हुई वो बेसिन में हुई थी, जिसे बेसिन की संधि के नाम से जाना जाता है, जो कि 1802 में हुई थी। अब 1802 में जो संधि हुई थी, तो क्या हुआ था कि बाजीराव द्वितीय ने अंग्रेजों के संरक्षण को स्वीकार कर लिया, उसने अंग्रेज को संरक्षण को स्वीकार कर लिया, और सहायक संधि की नीति के तहत पूना में अंग्रेजी सेना स्वीकार कर लिया। मतलब पूना जो मराठा साम्राज्य का केंद्र था, वहां पर अंग्रेजी सेना को रखने का जो संधि था या प्रस्ताव था अंग्रेजों को, वह स्वीकार कर लिया, और सेना को रखने का सारा खर्च जो है वो मराठा ही वहन करते थे। तो इसमें क्या हुआ कि जब पूना पे, चूंकि यशवंतराव होलकर कैप्चर कर रखा था बाजीराव द्वितीय को हराने के पश्चात, तो जब ये संधि हुई तो अब अंग्रेज का मेन दायित्व था कि पूना को यशवंतराव होलकर के चंगुल से मुक्त कराना और उसको बाजीराव द्वितीय के सौंपना। तो यही हुआ कि तत्पश्चात विलेजली ने क्या किया कि 1803 ईस्वी में, यही से द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो जाता है, कि 1803 ईस्वी में पूना पे आक्रमण किया और पूना को यशवंतराव होलकर से मुक्त करा पाया, और चूंकि यशवंतराव होलकर उस समय अंग्रेजों को टक्कर नहीं दे पाया और वो हार गए, तथा बाजीराव द्वितीय को ये जो पूना है अंग्रेज ने वो सौंप दिया। अब क्या हुआ इसके बाद, तो यशवंतराव होलकर जब हार गया तो उसने एक बार और प्रयास किया अंग्रेजों को हराने का, अन्य भारतीय जो शासक थे जो उसको सहायता दे सकते थे उसको एकजुट किया, और 1804 ईस्वी में एक बार फिर से यशवंतराव होलकर ने अन्य भारतीय राजाओं के साथ मिलकर अंग्रेजों के साथ युद्ध लड़ा, लेकिन वो युद्ध में पराजित हो गए, और पराजित होने के बाद अंग्रेजों का जो शक्ति था वो पूर्ण रूप से मराठाओं पे भारी पड़ गया, और पूर्ण रूप से मराठाओं को वो अंग्रेज जो है कैप्चर में ले लिए। तो इस तरह से
जो मराठा शक्ति का जो उस समय छिन हुआ वो इस तरह से हो गया। तो एग्जामिनेशन में दोस्तों बहुत बार बेसन की संधि के महत्व के बारे में डिस्कस करने के लिए पूछा जाता है। तो बेसन की संधि का जो महत्व था, एक्चुअली बेसन संधि का महत्व इतना था कि कहा जाता है कि बेसन की संधि ने भारत की चाबी को अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। क्यों दे दिया? क्योंकि उस समय जो मराठा पूरे भारत में हिंदू साम्राज्य का या हिंदू राष्ट्र का निर्माण के लिए अपना साम्राज्य विस्तार करना चाह रहा था, वो मराठा जिसके टक्कर में उस समय में तत्कालीन भारतवर्ष में कोई नहीं था, वो मराठा अब हार करके स्वयं अंग्रेज पे निर्भर हो गया था। तो ये लिखा क्योंकि अंग्रेजों के विरोध करने वाला मराठा भी अब अंग्रेज पे निर्भर हो चुका था और अंग्रेज को विरोध करने के लिए अब भारत में कोई भी शक्ति बची नहीं हुई थी। और यहां तक ये भी हो गया था कि अंग्रेज के संरक्षण में जो आते थे उसका भी कोई विरोध नहीं कर पाता था, उससे कोई युद्ध नहीं लड़ सकता था। जैसे कि निजाम थे कि और अंग्रेजी संरक्षण में पल रहे निजाम का भी कोई विरोध नहीं कर पाया। तो ये उनसे और सब शासकों में ये सीख गई कि अगर कोई दूसरा परेशान करता है तो वो अंग्रेजी संरक्षण को स्वीकार ले लेता था और बिलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करके अंग्रेजी सेना को अपने साम्राज्य में अपने राज्य में रखने लग जाता था। जिससे क्या हुआ कि अंग्रेज का जो सेना था वो उस साम्राज्य के उस शासक के खर्चे से पलता था और शक्ति मजबूत अंग्रेज की होती चली जाती थी और धीरे धीरे राजनीतिक हस्तक्षेप भी अंग्रेज सभी साम्राज्यों में सभी शासकों के साम्राज्य में करना चालू हो गए। तो इस तरह से अंग्रेज का विरोध करने वाला कोई नहीं रहा और इसीलिए कहा जाता है कि बेसन की जो संधि है वो भारत की चाबी अंग्रेजों के हाथ में दे दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ ये थोड़ा सा छिटपुट युद्ध चलते रहा और फिर जो फाइनल युद्ध लड़ा गया था जिसमें पूरी तरह अंग्रेज ने मराठा को तबाह कर दिया था वो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध में हुआ था। तो आइए देखते हैं तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें दोस्तों, तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1819 के बीच में लड़ा गया। और यह क्यों लड़ा गया, तो इसका जो मुख्य कारण था वो लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पिंडारियों के विरुद्ध अभियान जिससे मराठा प्रभुत्व को चुनौती मिली। अब लॉर्ड हेस्टिंग्स जो कि गवर्नर जनरल थे उस समय के, वो पिंडारियों के विरुद्ध एक अभियान चलाया था, उसको मारने के लिए या उसे पकड़ने के लिए या उसे दबाने के लिए एक अभियान चलाया था। अब पिंडारी कौन थे, तो पिंडारी मराठा के वैसे सैनिक थे जब कभी मराठा युद्ध में जाते थे तो एक एक्स्ट्रा सैनिक जो लोग विभिन्न कास्ट के विभिन्न वर्ग के या छोटे कास्ट वर्ग के जंगलों में रहते थे उसको नियुक्ति करते थे सैनिकों में, और जब तक युद्ध चलता था तब तक उसका नियुक्ति होता था और जब युद्ध खत्म हो जाता था फिर उसको नियुक्ति नहीं उसको छोड़ दिया जाता था। तो क्या होता था कि मराठा चूंकि लगभग हमेशा और नियमित युद्ध लड़ा करते थे तो उस पिंडारियों को उस क्लास के लोगों को उस वर्ग के लोगों को हमेशा एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलते रहता था और उसका जीवन यापन चलते रहता था। लेकिन जैसे ही अंग्रेज ने मराठाओं का दमन करना चालू कर दिया तो मराठा हारने लगे, तो उससे क्या हुआ कि पिंडारियों को अब रेगुलर एम्प्लॉयमेंट रोजगार मिलना बंद हो गया। जब पिंडारी जो थे जो कि विभिन्न क्लास और विभिन्न जाति के थे इतने सारे, तो वो चूंकि उसका भोजन पानी की व्यवस्था बंद हो गया, उसको रोजगार मिलना बंद हो गया, तो वो क्या करने लगे कि आपस के क्षेत्रों को लूट खसोट करने लगे और जिससे अराजकता की स्थिति बनने लगी। तो अराजकता की स्थिति बनने में क्या हुआ कि लॉर्ड हेस्टिंग्स जो गवर्नर जनरल थे वो उसको दमन करने के लिए एक प्रयास किया। अब चूंकि जो पिंडारी थे वो मराठा के बहुत ही करीबी थे, तो जब पिंडारियों के विरुद्ध अभियान किया तो उस समय के तत्कालीन जो पेशवा थे बाजीराव द्वितीय उसको अपने प्रभुत्व पे चुनौती लगा। और वैसे भी अंग्रेज जब से बेसिल की संधि हुई थी तो हमेशा अपनी बात बाजीराव द्वितीय से मनवाया करता था। तो बाजीराव द्वितीय को बाद में ये एहसास होने लगा कि वो बेसिल की संधि अंग्रेजों के साथ करके बहुत बड़ा गलती किया। तो इसी कारण से क्या हुआ, इसीलिए मैंने पश्चातापी लिखा क्योंकि वो पश्चाताप में जल रहे थे बाजीराव द्वितीय बेसिल की संधि करने के पश्चात। तो इसीलिए पश्चातापी बाजीराव द्वितीय ने 1817 में सिंधिया और होलकर के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ अंतिम लड़ाई शुरू कर दी। इसीलिए ये युद्ध 1817 में शुरू हो गया क्योंकि पिंडारियों का दमन मराठा अपने प्रभुत्व को चुनौती समझा जब शुरू कर दिया। लेकिन अंग्रेज जो थे उस समय काफी मजबूत हो गए थे और मराठा के पास उतनी शक्ति नहीं बची थी, ना उसके पास उतने आधुनिक हथियार थे, तो अलग अलग जगहों पे मराठा ने ये सभी मराठाओं को पराजित किया। तो क्या हुआ कि लेकिन अंग्रेजों ने पेशवा को किरकी नाम के स्थान पे
सिंधिया को सीताबर्डी नाम के स्थान पे और होलकर को महीदपुर नाम के स्थान पे पराजित कर दिया और मराठाओं का जो सपना था अंग्रेजों से छुटकारे पाने का वो चकनाचूर हो गया। ठीक है दोस्तों, और फाइनली अंग्रेज पूरी तरह से मराठा पे हावी हो गए और हावी होने के बाद फिर से तीन संधियां हुई और तीनों संधियां पेशवा सिंधिया और होलकर के साथ हुई। अब इस संधि में चूंकि पूरा का पूरा अंग्रेज अपने शर्तों पे ये तीनों संधि किया, तो पहला जो संधि हुआ था वो हुआ था पूना की संधि जो जून 1817 में हुई थी। वो किसके साथ हुई थी? तो पेशवा के साथ हुई थी, पेशवा बाजीराव द्वितीय के साथ। इसमें क्या हुआ कि अंग्रेज जो थे वो पेशवा पद को खत्म कर दिया, बाजीराव द्वितीय को पेशवा पद छोड़ना पड़ा और उसको अंग्रेज का रिटेनर के रूप में रखा गया, अंग्रेज अपने कैप्चर में उसको रखा और पेशवा पद को समाप्त करने के बाद जो मराठा साम्राज्य का असली जो शासक माना गया वो छत्रपति शिवाजी के वंशज को माना गया। उस समय में शिवाजी का जो वंशज था एक प्रताप सिंह, उसको छोटे से सतारा में छोटे सा क्षेत्र देकर मराठा साम्राज्य का शासक उस समय अंग्रेजों ने बना दिया। तो यही हमने लिखा, जिस पेशवा के साथ ये पुणे की संधि हुआ जिसके साथ पेशवा पद को समाप्त कर दिया गया तथा मराठा साम्राज्य का असली शासक छत्रपति के वंशज को माना गया। शिवाजी का वंशज प्रताप सिंह को सतारा में मराठा के छोटे साम्राज्य का शासक बना दिया गया। ठीक है दोस्तों, बाद में चल करके 1818 जब ये युद्ध समाप्त हुआ फाइनली और संधिया हो गई, तो कुछ दिन के बाद से क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य को पूर्णतः डिजॉल्व करके अंग्रेजों ने अपने मिला लिया और पूरी तरह से मराठा साम्राज्य अंग्रेजी सत्ता का हिस्सा बन गया। ठीक है दोस्तों, उसी तरह से दूसरा संधि जो हुआ था वो ग्वालियर की संधि हुआ था जो कि नवंबर 1817 में हुआ था। जो ये संधि किसके साथ हुआ था? तो जो सिंधिया, क्योंकि सिंधिया और होलकर के साथ लड़ा गया था तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध, तो 1817 में सिंधिया के साथ हुआ था। उसमें भी अंग्रेज अपने वर्चस्व पे अपने शब्दों पे संधि किया और उसको मामूली से अधिकार सिंधिया को दिया। फिर तीसरी संधि जो हुई थी उसको मंदसौर की संधि बोलते हैं जो कि जनवरी 1818 में हुई थी और जो कि होलकर के साथ संधि ये कंप्लीट हुआ था। और फाइनली जब 1819 तक मराठा साम्राज्य को समाप्त कर अंग्रेज उस पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। ठीक है दोस्तों, तो जो मराठा साम्राज्य इतने बड़े सूर वीरों से भरा हुआ था और इतने बड़े सपने को लेकर के पूरे भारत विजय पे निकला हुआ था और भारत पे एक हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहा था, आखिरकार वो अंग्रेजों से लड़के और अंग्रेजों से हार के ध्वस्त हो गया। तो क्या कारण रहा मराठा साम्राज्य के पतन का और क्यों वो सभी युद्ध में हारते गए, क्यों उसका वंशज जो शिवाजी इतने वीर थे और इतने उनके युद्ध नीति इतनी अच्छी थी फिर भी वो लास्ट के उनके वंशज क्यों हारते चले गए, तो मराठा के पतन का जो मुख्य कारण क्या रहा, आइए दोस्तों हम उसको देखते हैं। तो मराठा साम्राज्य की पतन की बात करें तो मराठा साम्राज्य के पतन के जो कारण है दोस्तों उसमें बहुत सारे कारण है, लेकिन जो मुख्य कारण रहे थे उसमें था पहला योग नेतृत्व का अभाव। अब योग नेतृत्व का अभाव का मतलब हुआ कि जो मराठा साम्राज्य शुरू से शिवाजी के नेतृत्व में लड़े, उनके सिद्धांतों पे चले और बाद में जाकर के जो पेशवा बने जैसे कि बालाजी विश्वनाथ थे, बाजीराव प्रथम थे और माधवराव प्रथम के बाद भी महादजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, माधव मल्हार राव होलकर और तुकाजी राव होलकर जैसे बहुत योग्य नेता हुए, लेकिन उसके बाद में जो मराठा का लीडर बने, जो शासक बने जैसे कि बाजीराव द्वितीय या यशवंत राव होलकर, दौलत राव सिंधिया, ये सभी जो बाद के शासक थे वो सभी अयोग्य थे और अदूरदर्शी थे, उनको आपस में ही संघर्ष रहता था क्योंकि इन सबों में आपस में लालच की भावना आ गई थी, स्वार्थ की भावना आ गई थी, इसीलिए दौलत राव सिंधिया, यशवंत राव होलकर और बाजीराव द्वितीय जैसे शासक जो बाद के मराठा के शासक रहे वो बहुत ही अयोग्य रहे और बहुत ही अदूरदर्शी रहा। तो ये एक मुख्य कारण था मराठा साम्राज्य के पतन के बारे में। दूसरा था मराठा का आर्थिक नीतियों में दोष। अब चूंकि मराठा क्षेत्र का जो भूमि था वो बंजर था, अब बंजर जब था तो वो हमेशा क्या करते थे, लूट खसोट की नीति अपनाते थे, लूट जब उसको पैसे की जरूरत होती थी तो वो आपस जो पड़ोसी क्षेत्र थे उससे लूट कर लाते थे। इससे क्या होता था कि पड़ोसी जो राजा थे या क्षेत्र थे युद्ध के समय में मराठा को सहयोग नहीं करते थे और ऐसा जो
शासन व्यवस्था है उसमें जनता से भी जो शासक होता है वो सहानुभूति और सहयोग नहीं प्राप्त करता था, क्योंकि वो जब भी जरूरत पड़ता था दूसरे को लूट लेते थे। वो कभी भी ऐसा काम नहीं किया जिससे कि व्यापार को वो बढ़ाया जाए, और व्यापार को बढ़ाएगा कि क्यों, क्योंकि व्यापार को बढ़ाने से उसको आर्थिक फायदा होगा। लेकिन जब पड़ोसियों से उसके साथ युद्ध होता था या पड़ोसी के साथ उसको लूट लिया जाता था मराठों के द्वारा, तो पड़ोसी उससे व्यापार भी नहीं करना चाहते थे। तो आर्थिक जो कमियां थी वो मराठा की सबसे महत्वपूर्ण कमजोरी थी, जिसके कारण से धीरे 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 मराठा कमजोर होते चले गए। तीसरा जो था अंग्रेजों की शक्ति श्रेष्ठता और संगठित गुप्तचर व्यवस्था, मतलब ये था कि अंग्रेजों का निर्विवाद पूर्ण आप कह सकते हैं कि मराठाओं से बाद में चल के मराठाओं से जो शक्ति थी वो बढ़ गया था। इधर जो था मराठा अपना जो युद्ध नीति था उसका, जो पहाड़ों से छुप के युद्ध करते थे गोरिल्ला युद्ध नीति, उसको भी त्याग दिए थे, और उसके पास उतना आधुनिक न तोपे थी न बंदूकें थी जैसा कि अंग्रेजों के पास था। तो निर्विवाद रूप से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज जो थे वो मराठाओं से शक्ति में काफी ज्यादा श्रेष्ठ था। और इसके साथ साथ जो अंग्रेज का गुप्तचर व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा और संगठित था, क्योंकि उसका जो गुप्तचर था वो मराठाओं के आंतरिक बात को अंग्रेज तक पहुंचा देता था, मराठाओं के आंतरिक कलह को अंग्रेज तक पहुंचा देता था। लेकिन मराठा के पास इतनी अच्छी गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी ताकि अंग्रेज के आंतरिक विषय के विवाद के बारे में वो जान सके, और इस तरह से वो अंग्रेज के विरुद्ध योजना कुछ बना नहीं पाए। और यही कारण रहा कि अंग्रेज मराठा साम्राज्य का धीरे धीरे अंग्रेजों से हार होते चलेगी। चौथा था उच्च आदर्श तथा उग्र राष्ट्रीयता का भाव। अब चूंकि जब मराठा साम्राज्य का उदय हुआ था, या शिवाजी का टाइम हो चाहे पेशवा का टाइम हो, शुरुआत के जो पेशवा थे उसमें उग्र राष्ट्रीयता थे, उनके आदर्श उच्च थे, वो अपने लिए नहीं जीते थे बल्कि मराठा साम्राज्य के जो इज्जत थे उनको बरकरार करने के लिए अपने जान को वो दांव पे लगा देते थे। लेकिन बाद के जो शासक आए जैसे कि बाजीराव द्वितीय थे, या फिर आप ये कह सकते हैं कि यशवंतराव होलकर थे, दौलत राव सिंधिया थे, वो अपनी जान बचाने के लिए और अपने स्वार्थ को सिद्धि के लिए अंग्रेज के शरण में जा गए बाजीराव द्वितीय। तो उसके पास न तो कुछ आदर्श था और न ही उसको राष्ट्रीयता, ये देश के बारे में उसका कोई स्वाभिमान था कि मैं अपने देश को एक ऊंच से ऊंच स्तर पर ले जाए और अंग्रेजों से छुटकारा प्राप्त करें, या मुगलों से छुटकारा, मुगलों के चंगुल से छुटकारा इस देश को प्राप्त करके हिंदू राष्ट्र का निर्माण करें। इस तरह की आदर्श न उनमें थी न उग्र राष्ट्रीयता की भावना थी, जिसके कारण वो धीरे धीरे उनकी मानसिक स्थिति भी कमजोर होते चलेगी। और इस कारण से मराठा साम्राज्य जो कि शिवाजी के समय में उत्कर्ष पे पहुंचना शुरू किया था, और पेशवा बालाजी बाजीराव के समय में अपने चरम पे था, और पूरे उत्तर भारत, पश्चिम भारत और दक्षिण भारत में पूरी तरह जीत हासिल कर चुका था, फाइनली अंग्रेजों के साथ हार करके और अपने पूरा साम्राज्य अंग्रेजों को दे बैठे, और साथ ही भारत को भी अंग्रेज को एक तरह से आप कह सकते हैं कि उन अंग्रेजों के हाथ में दे डाला। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य का पतन हो गया। तो इस तरह से मराठा साम्राज्य से संबंधित हमारे करीब करीब सारे लेक्चर पूरे हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पंजाब के बारे में देखेंगे कि कैसे आंग्ल और पंजाब सिख के बीच में युद्ध लड़ा गया, और कैसे सिख का उत्कर्ष कैसा रहा, उसका इतिहास कैसा था। ठीक है दोस्तों, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इस हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को निश्चित रूप से लाइक कीजिए, चैनल को हमारे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक से दो बार निश्चित रूप से देखिए ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आज के वीडियो पे आधारित आज का प्रश्न, तो आज का प्रश्न है बेसिन की संधि कब हुई थी। ऑप्शन ए 1800 ईस्वी में, बी 1802 ईस्वी में, सी 1803 ईस्वी में, डी 1805 ईस्वी में। इस प्रश्न का उत्तर आप हमारे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।